रानीपुर पुलिस ने दबोचे दो बदमाश, लूट का सामान, अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल किया बरामद। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब दो बदमाशों द्वारा 17 जनवरी को दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पकड़े गए दो बदमाशों के पास से लूट का सामान, अवैध तमंचा व बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। शिवालिक नगर निवासी ब्रिजेश नारायण गोयल ने रानीपुर कोतवाली पुलिस को 17 जनवरी में दो अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर गले की चैन आदि मारपीट कर लूटने के संबंध में तहरीर दी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए रानीपुर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशन के अनुपालन में रानीपुर से अलग अलग पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें शनिवार को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दो बदमाशों को हरकी पैड़ी सीसीआर के पास से माल सहित गिरफ्तार कर लिया। इसी बाबत हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि 17 जनवरी की घटना है। ब्रिजेश नारायण गोपाल अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी शाम के समय दो बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पर उन्हें डरा धमका कर सोनी की चैन व दो अंगूठी लेकर फरार हो गए। उन्हें बताया कि बदमाशों की छानबीन के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरा व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर की गई मेहनत से दो बदमाश सनी सैनी रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत व सनी कुमार देहरादून को हरकी पैड़े सीसीआर के पास से लूटे गए जेवरात व घटना में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से अपने संवाददाता नदीम सलमानी के साथ, ब्यूरो चीफ हरिद्वार। ये 17 जनवरी का मैटर है। एक मिस्टर ब्रिजेश हैं, वो अपनी दुकान में बैठे हुए थे और शाम के करीब दो बदमाश आए और तमंचे की नोक पे उनको डराए भी और उनसे एक चेन उनके गले में थी वो और दो अंगूठियां उनसे छीन के लेके गए। और ये के भरी बाजार में एक डेयरिंग एफर्ट किया गया था इन बदमाशों के द्वारा, तो रानीपुर की टीम को लगाया भी गया था और कई टीम इसमें लगी हुई थी और जो बदमाश थे ये बाद में पिन पॉइंट कर लिए गए थे और इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। कल हर की पैड़ी के पास से सनी सैनी और सनी कुमार नाम के दो जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तमंचा और वो बाइक भी थी जिस बाइक से उन्होंने लूट को अंजाम दिया था और पूछताछ के बाद उनके पास से ही वो चेन, पेंडेंट सेट और दो अंगूठी की रिकवरी हुई। जब वादी को दिखाया गया तो उन्होंने चेन, पेंडेंट और अपनी अंगूठी की पहचान भी कर ली और इस तरह से जो दोनों अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका जो पुराना इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसको भी माननीय न्यायालय में उनके पुराने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको लगाया जाएगा, जिससे कि उनको भविष्य में रिलीफ ना मिले। क्या कोई और साथी भी है? अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कौन कौन है और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह के जो अपराध हैं उसको अंजाम दिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। दो लोग गिरफ्तार